हे हाई एवरी वन दिस इज माइंग कोठारी दिस वीडियो हैज बीन मेड इन ऑर्डर टू गिव यू सम इफॉर्मेशन अबाउट योर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर दैट इज दर ऑन सेवंथ ऑफ मे टू थाउजेंड सेवनटीन सो आम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉस्टिंग पार्ट बिकॉज आई डोंट टीच कॉस्टिंग पार्ट आई टीच ओनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन विच माइट भी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द फिनेशियल मैनेजमेंट पेपर सो येस पहली चीज़ आपको मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ ये चीज़ में कि अगर आपके पास में टाइम कम है और आप टाइम कम है और आपने बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं पढ़ी हुई है या कुछ छूटा हुआ है तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस मैनुअल तो एटलीस्ट कंप्लीट कर रहे हो उसमें भी हर क्वेश्चन कंप्लीट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट यू इज दैट कि कोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आपके पास में टाइम सिर्फ डेढ़ दिन रहेगा और जिसमें आपको कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे प्लीज मेक श्योर कि हर कॉन्सेप्ट का एक एक दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हो ताकि क्या होता है ना कम से कम क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर पाओगे अगर आपने ऐसा किया कि चलो ठीक है रेशो एनालिसिस के सारे क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस मैनुअल के तो उसके चक्कर में क्या हो जाएगा कि कोई और चैप्टर आपका पूरा का पूरा छूट जाएगा इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द एंटायर चैप्टर एंड कंप्लीटिंग हंड्रेड परसेंट ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस इट्स बेटर टू डू एटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस एंड सेवेंटी परसेंट ऑफ दैट अच्छा अब अगर आप सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन ही कर रहे हो इस चैप्टर के भी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन कर रहे हो इस चैप्टर के भी सो बेस्ट थिंग क्या होगी वो बेस्ट थिंग ये होगी कि आप एटलीस्ट उन सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर लो ये भी नहीं कि अगर दस कॉन्सेप्ट है तो दस में से आप सिर्फ सेवेंटी परसेंट में छः ही कर पाए या सात ही कर पाए बाकी तीन कॉन्सेप्ट छोड़ दिया ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें भी एवरेज आउट करो चीज़ें तो एक कॉन्सेप्ट पे चार क्वेश्चन करने के बजाय तीन ही करो दैट विल बी फाइन चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने चाहिए दिस इज़ वन इम्पॉटेंट थिंग प्लीज ट्रस्ट मी इफ यू आर कम्प्लीटिंग द प्रैक्टिस मैनुअल उसी में से पेपर आएगा इंस्टीट्यूट का मटीरियल सबसे बेस्ट होता है ये गलती बिल्कुल भी, भी मत करना कि मैं मेरे क्लास के नोट्स भी कर लूँगा पूरे के पूरे और प्रैक्टिस मैनुअल भी करूँगा दोनों चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है अनलेस अदरवाइज कि आपके कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें मार्ग है और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में भी मार्क्ड है दोनों चीज़ें नहीं होगी गलती मत करना क्योंकि अगर टाइम गया एक बार का उसके बाद में आपके पास में कुछ नहीं बचेगा ना वॉट आई वोइंग टू टेल यू इज़ दैट वन पॉइंट फाइव डेज को आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है आ, पेपर के पहले सो प्लीज़ गिव पहले ही आपका जो लॉग ऑफ पेपर होगा उसके बाद आने के पहले बाद ही जस्ट तुरंत बाद ही आप टाइम डिसाइड कर लो कि छः से नौ क्या पढ़ोगे नौ से ग्यारह क्या पढ़ोगे नेक्स्ट डे चौबीस घंटों में क्या पढ़ोगे और उसके बाद पेपर के वाले दिन मॉर्निंग में क्या पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑल एंड अराउंड आप ग्यारह से बारह घंटे देंगे 11 से 12 घंटे देंगे मान लो मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप 24 घंटे पढ़ने वाले हैं इस डेढ़ दिन में तो 12 घंटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12 घंटे कॉस्टिंग पेपर अच्छा कॉस्टिंग क्योंकि है दोनों 50 50 मार्क का लेकिन कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा कोर्स कवर करता है तो मे भी हो सकता है आप उसको ज़्यादा टाइम अलॉट करो तो चलो बारह नहीं मैं एटलीस्ट दस घंटे पकड़ के चलता हूं अगर आप घंटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दे रहे हैं तो अब दस घंटे को डिवाइड करो कि इन दस घंटों में कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हो किस चैप्टर का आप डिसाइड करो क्या दस घंटे में दो सौ क्वेश्चन कंप्लीट होंगे नहीं होते प्रैक्टिस मैनुअल के अगर आप करने जाओगे तो नहीं हो पाएंगे सो इट्स बेटर टू गो थ्रू लाइक सेलेक्टेड क्वेश्चन जिसमें सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और आपके uh, काम भी हो जाए टाइम के अंदर में अच्छा दूसरी चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ में कि प्लीज़ क्वेश्चंस को कॉन्सेपच्चुअली करना ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि आंसर आ गया तो भाई बल्ले बल्ले हो गई मेरी नो no. <coughs> आंसर के पीछे जाओ सॉरी कॉन्सेप्ट के पीछे जाना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके तो सब कुछ जम जाएगा आपको क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन जो आएगा ना एग्ज़ाम में वो डायरेक्टली पी में से भले ही ना आए डायरेक्टली क्लास के नोट्स में से भले ही ना आए लेकिन उन पे ही आएगा तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किस बुक में से क्वेश्चन आने वाला है कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता तो ये एक आपका पार्ट हो गया नाउ नेक्स्ट थिंग एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे पेपर देने के लिए उसके जस्ट दो तीन घंटे जो आपके पहले बचेंगे घर पे उसमें कोई भी पर्टिकुलर नया टॉपिक मत लेके बैठना प्लीज़ मेक श्योर कि आप नया टॉपिक नहीं लेके बैठो आप बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ो <coughs> जो इम्पोर्टेंट है यानी आप जो जैसे चार्ट्स को रिवाइज करना हो गया सो प्लीज़ रिवाइज द दैट इज़ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अगर आपके समरी नोट्स है तो समरी नोट्स या चार्ट्स है तो चार्ट्स अच्छा वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि आ, अगर आपके पास में ऐसा कहीं मार्किंग नहीं की हुई है क्वेश्चंस की जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं कम क, आ, कम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में तो व्हाट आई हैव डन मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल बनाई है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर होते कम क्वेश्चन में उन क्वेश्चन के आंसर्स की स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन विजिट कॉन्फ्रेंसा डॉट इनका वेबसाइट है उस पर डाउनलोड्स वाले सेक्शन में ऊपर में ही आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आई पी सी सी फाइनेशियल मैनेजमेंट फॉर मई टू थाउजेंड सेवेंटीन एग्जाम डाउनलोड दैट फाइल एंड यूज इट उसी में आपको लिंक मिलेगी आंसर्स uh, के स्लाइड्स की अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई सेट ऑफ मटेरियल रेडी नहीं है तो गो विद डैट अच्छा दूसरी चीज मैं आपको सबसे पहले एडवाइज़ ये करूंगा कि मेरी आंसर्स की स्लाइड यूज मत करना पहले क्यों क्योंकि कोई भी नई फैकल्टी के अगर आप आंसर्स देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन होगा तो वो मैं बस आपको रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ कि कहीं अगर आपको उन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो उनको रेफर यूज़ कर सकते हो बट हो सके तो सिर्फ क्वेश्चन मेरी वाली फाइल से या जो मैं फाइल आपको दे रहा हूँ उसमें से लेना उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस मैनुअल में फाइंड आउट करो हर चैप्टर में फाइंड आउट करना ईजी होगा या तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से या तो स्टडी मटेरियल से है तो और प्रैक्टिस मैनुअल मैनुअलिया स्टडी मटेरियल में जो आंसर दिया है ना वो आंसर कंप्लीट करो पहले बिकॉज इट विल बी यू विल बी फैमिलियर विद दैट आपने प्रैक्टिस मैनुअल या स्टडी मटेरियल पहले की होगी तो आपको आसानी से आंसर समझने में सॉरी आसानी से आपको आंसर समझ में आ जाएगा दिक्कत कहीं नहीं जाएगी अगर आप डायरेक्टली उठा के मेरे आंसर्स की स्लाइड देखोगे ना तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो यूज़ होने के बजाय और अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा दैट शुड नॉट हैपन तो मैं आपको पहले से ही क्लैरिटी दे रहा हूँ ठीक है स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग द आंसर स्लाइड कि कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिला आपको पीएम में या स्टडी मटेरियल में तो उन पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए आप वो आंसर्स के स्लाइड्स देख सकते हैं अच्छा तो ये जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट के मटीरियल से ही बाहर से नहीं तो इंस्टीट्यूट के मटीरियल से हर कॉन्सेप्ट पे दो दो तीन तीन एक एक दो दो क्वेश्चन करके कम कवर किया हुआ है गो विद दैट डाउनलोड दैट फाइल एंड यूज़ इट अल्टीमेट परपज़ इज़ दिस कम क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए कन्सेपचुअली आपने जाना है कुछ भी रटना नहीं है आखिरी के दो तीन घंटों में आपने रिवाइज करना है चार्ट्स के थ्रू या ऐसे हाँ चार्ट्स वन थिंग अगेन चार्ट्स भी मैं आपको uh, उसमें लिंक दे रहा हूँ उसी फाइल में कि आपको चार्ट्स डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा आप डाउन यू कैन डाउनलोड द चार्ट्स एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर रिविजन पर्पज जब आप डाउनलोड करने जाएंगे कॉन्फ्रेंसर नॉट इन वेबसाइट पर तो वेबसाइट आपको <coughs> और uh, या तो आपका ऑलरेडी अगर आप लॉगिन किया हुआ होगा कभी आपने पिछले में तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है और यू कैन डाउनलोड द फाइल अदरवाइज़ यू विल हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई ऐसा पैसा नहीं है या फिर कहीं कुछ ये है नहीं आप रजिस्टर करो बेसिक डिटेल डाल देना नाम नंबर एड्रेस ई मेल के लिए वो पूछेगा तो यू विल हैव टू वेरीफाई द ई ताकि आप जेन्यून पर्सन हो ये पता चल जाए वेबसाइट को एड्रेस वाला कॉलम छोड़ देना क्योंकि अभी आपके पास में टाइम नहीं है कि एड्रेस वेड्रेस डिटेल भरते बैठो

it will be useful for you at senior final level also all the best टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप पेपर देने के बाद मैं एटलीस्ट मेरे को एक मैसेज डॉप कर रहे हैं माई नंबर इज़ एट नाइन एट थ्री फोर सेवन फाइव वन फाइव टू आई एम रिपीटिंग एट नाइन एट थ्री फोर सेवन फाइव वन फाइव टू ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप की आपका पेपर कैसा गया दैट विल भी इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल लोगों का <coughs> पेपर कैसा गया सो so, अगर मेरे पास में बहुत सारे रिप्लाइज़ uh, आते हैं तो आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिव्यूज़ क्या है बहुत सारे लोगों को ऑन एन एवरेज पेपर अच्छा गया या बुरा गया हार्ड था या ईजी था बट दैट विल ओनली इन बी इन द केस ऑफ मेरे पास में ज़्यादा रिव्यूज़ आते हैं तो पचास सौ रिव्यूज़ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये एनालाइज़ करना कि पेपर टफ था या इजी था सो दिस इज ए दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से एट दी एंड ऑफ द डे आपका डेडिकेशन लेवल आपकी स्टडीज़ और आपका पूरा पैशन मैटर करता है कोई भी टीचर आपके साथ में एग्जाम में नहीं रहने वाला कोई भी बुक आपके साथ में एग्जाम में नहीं रहने वाली ना पेरेंट्स ना फ्रेंड्स ना वो बड़ी कैन नो बड़ी विल बी देयर इन द एग्ज़ाम सेंटर सो ऑल यू नीड टू डू इज़ आपका माइंड उसको काम रखो शांत रखो एट पीस रखो नर्वस होना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू विल एवर डू इन योर लाइफ स्टे कॉन्फिडेंट कुछ भी आए करके तो दिखाना ही है मैंने ठीक है हाँ अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है कैसे सॉल्व करना है एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम में एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए पेपर शुरू हो चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को तो प्लीज़ मेक श्योर कि जितना भी डेटा दिया हुआ है ना उस डेटा का क्या यूज़ कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल ये आप निकाल लो एंड देन एटलीस्ट कुछ तो लिख के आओ क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होती है सो यू विल गेट द मार्क्स अकॉर्डिंगली थेरी सर थेरी कहाँ से करना है ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मेरे को अगर मैंने आपको सॉरी ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे को अगर मैं आपको ये बोलूँ कि प्रैक्टिस मैनुअल इज़ इनफ प्लीज़ ट्रस्ट मी प्रैक्टिस मैनुअल इज़ इनफ फॉर द थेरी पार्ट अगर आप थेरी पार्ट जो है प्रैक्टिस मैनुअल से कर रहे हैं कंप्लीट आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उसी से आएंगे सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू डू प्रैक्टिस मैनअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी टीचर के नोट्स इतने इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट नहीं होते नॉट इवन मी नॉट इवन एनीबडी एल्स जितना इंस्टीट्यूट का मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है फोकस ऑन दैट फोकस कन्सेपचुअली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बाय बाय